चुपके चुपके। बेटा गलत मत समझो, हम खुश हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू डैड, मैं जानता हूँ, लेकिन आप प्लीज परेशान मत होइए, अभी तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बदलेंगी मतलब? मीरा, आर यू श्योर कि तुम नहीं आना चाहती हो? अभी मैं एक बात ना तुम्हें सिंपली समझाना चाहती हूँ। मेरी यहाँ एक जॉब है, एक लाइफ है, फैमिली है, और तुम मेरे पति परमेश्वर नहीं हो असली के, कि तुम जहाँ जाओगी मैं भी मुंह उठाकर वहां चली आऊंगी, है ना? अभी मुझे बहुत मुश्किल से अपनी कंपनी में एक इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन मिली है, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिला है। अभी मैंने बहुत मेहनत की है इन सालों, और अब मैं अचानक ये सबको छोड़कर वहां नहीं जा सकती हूँ। आई एम सॉरी। जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तब उनकी अहमियत समझ में नहीं आती, उस प्यार का एहसास नहीं होता, लेकिन इस बात का रियलाइजेशन तब होता है जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। आगे भी सुनो, तुम्हारी तकलीफ की वजह से मेरा क्या हाल हो रहा है मैं बता भी नहीं सकता। क्या कह रहे हो अभी? लेटर में जो लिखा है वही कह रहा हूं। कैसा है? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्रीतम प्यारे। मीरा कहाँ है? अब मीरा अपने घर गई है। अरे ऐसे कैसे अचानक चली गई बिना बताए? तुम दोनों में कोई बात तो नहीं हुई ना? वो क्या कहते हैं, फाइटिंग शाइटिंग वगैरह? बताओ क्या बात है और अपने पेट दर्द को आराम दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सरूप बता दो, मैं जानती हूँ तुम बताना चाहती हो, वरना तुम्हारा खाना पचेगा नहीं। बोलो। दीदी ऐसी कोई बात ही नहीं है, मतलब। ठीक है फिर, मुझे क्या, मत बताओ। रुको। बोलो। वैसे आज मैंने किसी की बात सुनी नहीं है, पर बात खुद ब खुद मेरे पास आ गई। किसकी बात है सरू, बताओ। अभी और मीरा की। अब क्या हुआ उन दोनों में? क्लियरली एग्जैक्टली क्या हुआ ना मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है जबरदस्त झगड़ा हुआ है दोनों का। मीरा कहाँ है? बात करती हूँ मैं उससे। यही तो, मैं भी उससे बात ही करने वाली थी एक दोस्त के नाते, पर वो कहीं है ही नहीं। मतलब? मैंने पूरा घर ढूंढा, मीरा कहीं नहीं है। क्या? हाँ टेरेस पे भी देखा, वहां भी नहीं थी। अभी से पूछा? उससे क्या पूछती, सड़ा हुआ मुंह लेकर बैठा था वो, मैंने नहीं पूछा। ये लड़की गई कहाँ होगी? वही तो, एक तो झगड़ा हुआ है इसलिए टेंशन में होगी, पता नहीं कहाँ गई होगी। भी? क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो, टेंशन में लग रहे हो? नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात जरूर है बेटा, वरना ऐसे ही किसी का मूड ऑफ नहीं होता। अच्छा मीरा कहाँ है? अब मीरा अपने घर गई है। क्यों? वो उसे कुछ काम था, जल्दी आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे अचानक चली गई बिना बताए? वो शायद जल्दी जल्दी में बताना भूल गई होगी। कई दिनों से तुझे देखा नहीं है,
कई दिनों से तुझे देखा नहीं है और ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। क्या मीरा जी, कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए? ना तो आप ऑफिस आ रही हैं, ना मेरा फोन रिसीव कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं है? नीरज बाबू बहुत बेचैनी हो रही है, क्यों ना मीरा जी के घर पे फोन किया जाए। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं नीरज। मीरा जी की तबीयत कैसी है? हाँ, मीरा जी की तबीयत तो ठीक ही है। नहीं नहीं, वो मीरा जी काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि फोन करके पूछ लेता हूँ एक बार। अब अच्छा हुआ आपने कॉल कर दिया। जी मुझे फोन मत पकड़ाना, मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। जीजू नहीं है, आपके ऑफिस से फोन है नीरज का। नीरज बिल्कुल फोन मत देना, वो शायरी सुनाएगा, मौसमी मेरा मूड नहीं है, प्लीज उसे बोल दे नहीं। हेलो मौसमी जी। हाँ बोल, मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ। वो क्या नीरज जी से एक बार बात हो जाएगी? एक्चुअली क्या है ना, मीरा जी घर पे नहीं है। मतलब मीरा जी घर पे नहीं है? नहीं मतलब वैसे वो घर पे है। अरे लेकिन आपने अभी अभी तो कहा कि वो बाहर गई है। मतलब अभी अभी जस्ट बाहर गई है, लोग बाहर नहीं जाते क्या? नहीं नहीं जाते हैं तो अच्छा कोई मैसेज वगैरह हुआ तो दे देना मेरे को। नहीं नहीं मौसमी जी, मैसेज क्या देना, बस आप उनसे कह दीजिएगा कि नीरज ने याद किया था। ठीक है, ओके बाय। काजल, मीरा तुम्हारे साथ है? अरे तुम्हारे साथ नहीं तो किसके साथ होगी? वो ऑफिस में तुम्हारे साथ ही तो रहती है वो। मीरा कहाँ गई यार तुम? रात के 12:30 बज रहे हैं और तुम्हें लगता है मैं मीरा को चोट पहुंचाऊंगा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मीरा अपनी मर्जी से मेरे साथ आई, इसलिए आज से उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम भी बहुत मौके दिए, पूरे 5 मौके दिए थे ये बैल को। जरूरी तो नहीं है ना कि लड्डू भी तिवारी जी जैसा घटिया स्टूडेंट हो। और क्या करे गोरे बिटिया, वो एक स्कूल है मार्था मैथ्यूज इंग्लिश स्कूल, वहाँ बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं। दरअसल उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त है कि खानदान जो है वो कल्चर्ड होना चाहिए, और ये बात देखने के लिए खुद मार्था मैडम आएंगी। एक काम करते हैं, हम और आप लड्डू के मम्मी पापा बन जाते हैं। आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आपसे बेटर तो विभू है। आपके मुंह से सच्चाई निकलवाने का एक ही तरीका था मेरे पास। दंगल के वक्त राणा भैया ने जो बेमानी की वो किसी ने देखी ना। इतनी बड़ी बात आपने मेरे से छुपाई लक्की जी, आपके अपनों ने आपके साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी की लेकिन आपने मुस्कुराहट के पीछे छुपाया। आखिर इतनी के मजबूरी थी लक्की जी कि आप इतनी बड़ी बात अपने मन में दबा के घुटते रहे। सिर्फ एक बार सबूत मिल जाए रागिनी के खिलाफ, जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे रागिनी का हाथ है। लेकिन अगर हमें उसकी साजिश नाकामयाब करनी है तो मोबाइल मिलना बहुत जरूरी है। बस एक बार मेरी सृष्टि को उस घर से निकाल दें तो होगा धमाका। मतलब इस बार बम फोड़ना होगा। शेखर शर्मा का आतंक एक मर्डर के बाद भी नहीं रुका है। अरे बिल्कुल नहीं। दरोगा जी इसके घर का पता मिल सकता है हमें? अरे होगा ना, देखिए ना जी। सुमन तू जरा फोन लगा संजू को, मैं बात करना चाह रही हूँ उससे। उन दोनों को कहा गया है कि वो अपने मायके से
किसी से रिश्ता ना रखे और इसी शर्त पर उन्हें इस घर में रहने की इजाजत मिली है। जी कैसा फरमान सुना दिया पापा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें बुला लें जिससे ये मिलना चाहते हैं। रवि जी वो सोचना भी मत, वो रणवीर दोबारा तुम्हारी और वीर की जिंदगी में नहीं आएगा। दवाई खा के ठीक हो जाएगा, वो रणवीर नहीं आएगा तो मरेगा नहीं। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? संतोषी जी आप रहने दीजिए ना, हम संभाल लेंगे। संतोषी जी के लिए हम आपका वध तो नहीं कर सकते धैर्य, पर अब हम आपको संतोषी जी को स्पर्श नहीं करने देंगे क्योंकि अब उन पर हमारा आधिपत्य है। संतोषी जी केवल हमारी है। आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं भगवान। हस्ती आज मेरे हाथों कान्हा की मृत्यु निश्चित है। दाऊ, ये बैलगाड़ी नीचे आ रही है। दाऊ, दाऊ मैं दब जाऊंगा। दाऊ, अरे भागो, निकलो। दाऊ, मैं भी चंद्र से शादी करना चाहती हूँ। ये कैसी चाल खेली है, माँ बेटी के तुत्ते उड़ गए। अब देखना ये है कि प्रीत क्या करती है। ये चाल नहीं, ये खुदकुशी है। आपकी ये बेटी 18 साल पवन की शाह रही है। मैं पहले भी इन मुकाबलों के काबिल थी और आज भी हूँ।